हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्वागत है आपका कोटा किचन में। और आज मैं बनाऊंगी, आज हम बनाएंगे ग्वार फली की सब्जी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने 8-10 लहसुन की कलियां ले ली है, 3-4 हरी मिर्चें, 1 टमाटर है और 2 प्याज लिए हैं। तो सबसे पहले हम ग्वार फली को इस तरीके से कट कर लेंगे, आगे पीछे के मुँह को हटा देंगे और इनको इस तरीके से कट कर लेंगे। अच्छे से वॉश करके इसको कुकर में डाल देंगे। और यहाँ मैंने ये 500 ग्राम ग्वार की फली ली है, तो इसमें मैंने आधा कप पानी मिलाया है। और कुकर को बंद करके मात्र 1 सीटी के लिए इसको हम पकाएंगे। तो इसमें जब तक 1 सीटी आती है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में मैंने लहसुन को जार में डाल दिया है और मोटे मोटे टुकड़े करके प्याज भी इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर को भी हम मोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 2 हरी मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला। तो ये मैंने साबुत वाला गरम मसाला लिया है और ये हरी मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें 2 से 2.5 चम्मच तेल डाल देंगे। तो ये मैंने छोटी चम्मच के हिसाब से डाला है। और तेल के गर्म होने पर इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 1 चुटकी हींग। दस से 15 सेकंड इसको पकाएंगे और फिर इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। मिला देंगे अच्छे से। और इस स्टेज पर हम इसमें कुछ और मसाले ऐड कर रहे हैं, तो इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, तो इससे इसका कलर अच्छा जाएगा। अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे और इसको पकाएंगे। तो जब तक ग्वार फली को पानी से अलग कर लेते हैं, तो मैंने छलनी में इसको निकाल लिया है, तो इसका पानी अलग हो जाएगा। मसाला पककर तैयार है। अब इसमें 1 चम्मच मैंने खट्टा दही मिलाया है, तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। चलाते हुए गैस को हम बिल्कुल कम रखेंगे। मसाला पककर तैयार है, उसने तेल अलग कर दिया है। तो इस स्टेज पर हम ग्वार फली को इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ग्वार फली की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों, ग्वार फली की सब्जी बन चुकी है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आए हो तो लाइक शेयर करें और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना।